हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं इंजीनियर मुकुल कुमार आप लोगों के बीच में आज फिर न्यू सेशंस में मैथ का क्लासेस हम लेकर के आपके बीच में मौजूद हो चुके हैं। कल भी हमारा मैथ का क्लास चला था दोस्तों, बहुत अच्छा क्लास रहा था। आप बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े थे कल, ठीक है। और ये हुआ था, चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करेंगे मैथ का, ठीक है। और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो बच्चे बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं, तो पॉलिटेक्निक एग्जाम 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए फॉर्म आ चुका है विद्यार्थी, और बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। 4/9/2021 तक के लास्ट डेट आपका दिया गया है। तो मैं पॉलिटेक्निक का तैयारी करवाना शुरू कर दिया हूँ। लाइव चल रहा है क्लास, लाइव क्लासेस चलता है शाम 7 बजे से। तो शाम 7 बजे जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हुए हैं तो 7 बजे एक दिन जुड़ करके देखिए, आपको लगेगा कि हाँ काम के क्लासेस है तो आपको जुड़ना है शाम 7 बजे दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्लासेस होता है, बड़ा मजेदार क्लासेस होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। केमिस्ट्री का क्लासेस चल रहा है अभी केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, ठीक है। टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के हम लोग आ रहे हैं, टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। मैथ का भी बहुत जल्दी सेट प्रैक्टिस आपको करवाया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। आज का क्लास मैं आपको अब स्टार्ट करने वाला हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे आज आपको हम मैथ में। आज हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ क्वाड्रेटिक ही चलेगा, सही बात है। आज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है, द्विघात समीकरण। कल हम आपको पढ़ाए थे घात घातांक करनी, जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लीजिएगा। घातांक घातांक घात करनी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कल आपको सॉल्व करवाए हैं। बहुत अच्छा क्लासेस है और बहुत सारे बच्चों ने उसे पसंद किया है, लाइक किया है। आपको अच्छा रहेगा सॉरी, तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार पूरा क्लासेस लेकर के देखिए, मजा आ जाएगा विद्यार्थी। चलिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों के बीच में एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, और एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे पास एक क्वेश्चन है यार कि एक्स के पावर 200 प्लस एक्स के पावर 200 बराबर 194, तो एक्स के पावर 50 प्लस एक्स के पावर 50 बराबर वाट, तो क्या होगा बताइएगा। ये आपको बनाना है और इसको हम बताइए, और इसके बाद फिर हम लोग क्वाड्रेटिक में चलते हैं। मजा आ जाएगा आज का क्लास में, बहुत ही मजेदार क्लास रहने वाला है। जितने भी साथी हमारे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम इस चैनल पर करवाएंगे। और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मैथ के लिए निफिक्र रहिए, आप बस डेली क्लास कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ से बताइएगा क्या होगा इसका मान। तो आपको देख के डरना नहीं है, आपको एक काम करना है, एक्स के पावर 50 को आप y मान लीजिए, ठीक है। तो ये समीकरण किसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, y के पावर 4 प्लस y के पावर 4 बराबर 194, होगा कि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको इतना मान लेते हैं तो इतना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 14 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 14 का वर्ग 196 होता है। तो अगर हम इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करें, वाई स्क्वायर प्लस 1 के वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा एक्स्ट्रा में आ जाएगा प्लस 2ab, है ना। इतना बराबर अगर हम लिखें वाई स्क्वायर, इतना लिखें, इसका होल स्क्वायर खोलिएगा तो क्या आएगा, वाई के पावर 4 1 वाई के पावर 4 प्लस 2 और वाई स्क्वायर इंटू 1 वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कर देगा, एक्स्ट्रा में एक 2 आता है हमारे पास, इस साइड हमारा एक्स्ट्रा में एक 2 आएगा, ठीक है। तो हमारा इस तरह जाएगा तो 2 जुड़ के 96 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा होता क्या है, हम आप लोगों को फॉर्मूला सिखाए हैं कि ऐसा रहे ना, तो डायरेक्ट आप इसको बना दीजिए वाई स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर बराबर 14 होगा। अब आप कहिएगा 14 कैसे होगा, तो जो 2 था 194 में जुट करके हो गया 96, और 96 का इधर जो अंडर वर्गमूल था ये आपका इस पे आके हो गया, तो 14 आ गया, ठीक है। अब हमारा यहाँ से फिर ट्रिक का उपयोग करेंगे, तो अगर हम इसको 1 पावर में कन्वर्ट करेंगे तो y के पावर 1
और 1 के पावर 1 तो कितना हो जाएगा, चौचौका 16, 16 माइनस 2 ठीक है, तो 14, 16 माइनस 2 14, तो 4 का स्क्वायर ठीक है, तो इतना बराबर हमारा आ जाएगा 4, तो y बराबर 4 आ जाएगा, y बराबर 4 आया है, तो हमने इतना को कितना माना है, y माना है, तो हमारा इसका आंसर हो गया 4 ठीक है। मजेदार क्वेश्चन है, सोचते रह जाइएगा कैसे बनेगा, ट्रिक का उपयोग किया है, सारा क्लास किया हुआ है। अगर ऐसे क्लासेस आपको पढ़ना है तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें मुकुल सर लेक्चर यूट्यूब चैनल का, और यूट्यूब चैनल पे आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, अलजबरा के नाम से वीडियो अपलोड होगा ठीक है, देख लीजिएगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाया गया है ऐसे ऐसे क्वेश्चन का। चलिए हमारे पास क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथ में हमारे पास आज है भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है द्विघात समीकरण, बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर अभी तक आपको द्विघात समीकरण नहीं समझ में आया है तो आज आप नहीं कहिएगा कि नहीं समझ में आया है, पूरा समझ में आएगा, एक बार आराम से पढ़िएगा। और जिनको विद्यार्थियों को नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपको स्पेशल बताने का कोशिश करूंगा ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। द्विघात समीकरण तो भैया होता क्या है, सुन लो बाबू, द्वि माने होता है दो, घात माने घात, और समीकरण किसके कहते हैं, तो भाई द्विघात समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो ठीक है भाई, ये जो होता है ये द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है ठीक है, जनरल फॉर्म होता है दोस्तों, ये आपका द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है, ये द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है, और जनरल फॉर्म हाँ ठीक है। अरे भाई काहे काम क्यों कर रहा है माइक भाई, ये द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि इसे द्विघात समीकरण क्यों कहा जाता है, इसे समीकरण क्यों कहा जाता है, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि अगर किसी भी एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू में जीरो आ जाए ना तो वो समीकरण हो जाता है ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है अगर इक्वल टू में जीरो हो जाए तो वो समीकरण हो जाएगा, जैसे कि ये तो ये भी समीकरण ही है ठीक है। लेकिन क्या इसे द्विघात समीकरण कहेंगे, तो नहीं, इसे द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात एक है, ये जो इसका मैक्सिमम घात एक है तो इसीलिए ये रैखिक समीकरण होगा, और यहाँ पे इसका घात दो है तो इसीलिए ये द्विघात समीकरण होगा। यही बात को समझना है, कभी कभी जांच करने के लिए क्वेश्चन दे देता है कि जांच करें कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन होता है द्विघात समीकरण में क्या होता है कि a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, a बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है दोस्त ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो आप बताएंगे कि a b c कॉन्स्टेंट है, ए बी सी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का हिंदी होता है कि अचर है, ये अचर है विद्यार्थी, और ये आपका क्या है, तो ये आपका वेरिएबल है भाई, ये आपका वेरिएबल है दोस्तों, ये आपका वेरिएबल है ठीक है। वेरिएबल किसे कहते हैं, जिसका मान बदलता है, तो समीकरण होता है ना साथी, समीकरण बनता है कॉन्स्टेंट और वेरिएबल को मिला करके, समीकरण बनता ही है कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बाद में पढ़ लो पूरा, कॉपी निकाल लीजिए, कलम निकाल लीजिए, अगर आपको मैथ पूरी अच्छी ढंग से समझ में नहीं आया तो मेरा मुकुल कुमार का वादा है कि आप कमेंट्स करके हमें बताइए, मैं आपको तोड़ तोड़ के सिखाऊंगा, जब तक सिखाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। चलिए भैया हमारा क्वेश्चन हो गया, हम गया वाले हैं भाई दशरथ मांझी, मांझी द माउंटेन मैन, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए तो सिखाना है आपको और सीखना है आपको, ये वेरिएबल है हमारा और ए बी सी हमारा कांस्टेंट है। आपसे एक चीज और भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाता है मैं वो बता देना चाहता हूँ, जैसे ए बराबर जो हो गया तो ए जो है ना वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ठीक है, इसे आप कहिएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसे कहेंगे कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स जो है आपका वो हो गया बी का गुणांक, बी का एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है
ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है और बी जो है बाबू वो आपका एक्स का गुणांक है। वेरी गुड, हाँ सही बात है। इसे हम लोग कहते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स। और सी जो है ना ये तो कांस्टेंट है, इसमें किसी का गुणांक नहीं है, ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है यहाँ पे। तो अगर ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन आपके पास एग्जांपल के तौर पे होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा तो 2x² + 3 = 0, यह एक द्विघात समीकरण है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक आपसे पूछा जाए, एक्स का गुणांक पूछा जाए, ठीक है बाबू, और अचर पद पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? तो भैया हो जाएगा आंसर, हम बता रहे हैं भाई दोस्तों, ठीक है। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं यूट्यूब पे जो हमें फॉलो कर रहे हैं और हमें हमारे वीडियो को देखते हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर वीडियो आपके काम का है तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का काम करें। मैथ का कंप्लीट क्लासेस करवाऊंगा जूनियर सेक्शन से, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, आपको रेलवे SST GD जहां तक भी क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ से, सारा क्वेश्चन करवाने का कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलते हैं भाई दलादल क्वेश्चनों में। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक -2 है और अचर पद कितना है? तो 3 है। यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है ना भाई, ये हमारा आंसर हो जाता है। इतना लिख लिए तो मैं इसको मिटाता हूं। कॉपी कलम निकाल लीजिएगा, कहीं पर भी अगर दिक्कत होगा ना तो बता दीजिएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट करवाऊंगा आपको। अब आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी पूछा जाता है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं ax² 3x + 2, ठीक है = 2, ये आपका क्या है? तो भैया ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर ये पूछेगा ना आपसे तो आप कहिएगा कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन आपसे पूछेगा 6x² + 5 = 0 है, तो ये आपका इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये भी क्वाड्रेटिक है क्या? तो नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कैसा? तो दम आप मन में रख लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए और अपने साथ आत्मसात कर लीजिए दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तब अपने दोस्तों को बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने का काम करें। जब तक ये यूट्यूब है तब तक मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मजेदार है, मजा आ जाएगा। अब समझिए, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये द्विघात समीकरण जो आप पढ़े ना, यही वाला, हाँ जी यही जनरल फॉर्म। इस द्विघात समीकरण का एक आगे पढ़िएगा आप लोग, रूट्स होता है। क्या होता है? रूट्स होता है। कैसा होता है देखिए, ये द्विघात समीकरण है ना आपका भाई, तो ये जो है ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण के रूट्स होते हैं। रूट्स को क्या कहते हैं? मूल कहते हैं, और मूलों होते हैं। तो रूट्स मान लिया जाए तो कैसे निकालेंगे? तो रूट्स की निकालने का तरीका है, और सुनिए, कोई आपसे पूछ देगा कि कितने रूट्स होते हैं, हेलो कितने रूट्स होते हैं, तो पावर 2 है, तो रूट्स भी कितना होगा दोस्तों? रूट्स भी 2 होगा, तो इसका रूट्स होगा 2, इसका रूट्स होगा 2, मूलों की संख्या होगी 2। द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या हमेशा होता है 2। तो मूल निकालने का तरीका क्या है? तो मैं मूल निकालने का तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका है वो है फैक्टर मेथड, वो है फैक्टर मेथड, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, हम दोनों निकाल के बताएंगे आपको। और एक जो है वो हमारा है श्रीधराचार्य का नियम, श्रीधराचार्य का विधि नियम, ठीक है, श्रीधराचार्य का नियम क्या होता है? तो
तो श्रीधराचार्य का नियम सूत्र होता है भैया, श्रीधराचार्य का सूत्र होता है, तो हम दोनों का उपयोग करेंगे। तो गुणा ठंड में तो फैक्टर तोड़ना है, और श्रीधराचार्य के नियम में, ठीक है। और फिर बहुत सारे लोग अपने अपने शॉर्टकट ट्रिक से भी गुणनखंड निकाल लेते हैं, तो वो भी मैं चर्चा करूंगा आपको। तो आप कहीं कह देते हैं कि ये तीसरा मेथड है, ठीक है। श्रीधराचार्य के सूत्र आता कहाँ से है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पूर्ण वर्ग विधि से सवाल कैसे बनता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं, आप सभी को निकालते हैं कि क्वेश्चन को हम मूल निकाल करके बताते हैं, रूट्स निकाल करके बताते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। अब इसका निकालना है आपको मूल, तो क्या कीजिएगा, कीजिए गुणनखंड। तो तोड़िए, गुणनखंड कैसे तोड़ा जाता है, बीच वाला को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पर इसके बराबर और गुणा करने पर इन दोनों के बराबर होना चाहिए। तो हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू प्लस छ बराबर जीरो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसमें आपका कॉमन कर लेंगे एक्स, तो एक्स कॉमन होगा तो थ्री, यहां से टू कॉमन कर लेंगे दोस्तों तो हो जाएगा थ्री, ठीक है। तो एक्स प्लस दो और एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो, तो आपका हो गया गुना में है तो एक बार इसके साथ जीरो और एक बार इसके साथ होगा जीरो, तो आपका हो गया एक्स बराबर माइनस टू और एक हो गया एक्स बराबर माइनस थ्री। तो एक्स का दो मान आया माइनस टू और माइनस थ्री। मैंने पहले ही कहा था मूलों की संख्या कितना होगा भाई, तो मूलों की संख्या आपका दो होगा, तो मूलों का संख्या दो आपका निकल करके आ गया है, ठीक है। जितने भी साथी हैं, पहला मेथड हमने आपको कर दिया, पहला मेथड से निकाल करके दिखा दिया। चलिए दूसरा मेथड आपके पास है श्रीधराचार्य का नियम, यह हो गया पहला मेथड, और दूसरा मेथड है श्रीधराचार्य का सूत्र। तो श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है, मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, यह आपका दूसरा विधि है, ठीक है। तो आप में इसमें ए बी सी कहां से आएगा ध्यान दीजिएगा, तो इसको कंपेयर करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो ए का मान वन हो जाएगा, बी का मान पांच हो जाएगा और सी का मान छः हो जाएगा, होगा कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगा। मैं पसीने पसीना होकर के आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि फैन लगाएंगे तो साउंड क्लियर नहीं जा पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फैन को ऑफ करके रखे हैं। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा, मूल बराबर मतलब एक्स बराबर माइनस बी, तो बी का मान माइनस पांच प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो फाइव का स्क्वायर वन इंटू सिक्स अपॉन टू ए। अब आएगा माइनस फाइव प्लस माइनस पच्चीस माइनस चौबीस अपॉन टू, ठीक है, माइनस पांच प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट वन निकलेगा वर्गमूल, ये हो जाएगा दो। तो यहाँ पर एक्स का प्लस माइनस है ना, इसको एक बार प्लस वाला ले लीजिए और एक बार माइनस वाला ले लेते हैं, तो माइनस चार अपॉन दो, तो आंसर आएगा माइनस दो, और यहाँ से हो जाएगा माइनस छ बटा दो, तो हो जाएगा माइनस तीन। तो एक्स का मान दो आया, यहाँ से भी आपका दो गो आया, एक आया, यहाँ से हल कीजिएगा तो माइनस दो आएगा और इसको हल कीजिएगा तो माइनस तीन आएगा। तो आया ना, यहाँ से भी आया, दोनों सूत्र बता दिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा, रूट्स निकालना पता चल गया होगा कि रूट्स क्या होता है। अब मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति पर आधारित प्रश्न बताने का काम करूंगा दोस्तों। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और द्विघात समीकरण पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं जनरल कॉम्पिटिशंस में, तो उसको भी मैं बताने का काम करूंगा, ठीक है। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है इसके लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के लिए लिख दे रहे हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस
4ac/2a, इसका मूल कितना होता है तो 2 होता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और हम आज आप लोगों से लेते हैं विदा। अब आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि लाइव क्लासेस 7:00 से होता है दोस्तों, तो सब साथ 7:00 से केमिस्ट्री के लाइव क्लासेस में जरूर जुड़िएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और नहीं तो 7:00 आकर के आप मुकुल सर लेक्चर यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।